गाइज बैटल ग्राउंड मोबाइल 1 पॉइंट अपडेट किए होंगे 8, तो गाइज आपके सामने भी फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में फेसबुक से लॉगिन करने के लिए आ रहा है तो कैसे उसको सोल्व करते हैं। मात्र आपको 2 ट्रिक बताऊंगा जो कि बिना कोई एप्लीकेशन के, बिना कोई वीपीएन के, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूबर का यूट्यूब पे वीडियो देख देख करके सर्च कर करके अपना टाइम और MB दोनों ही वेस्ट कर दोगे, लेकिन आपको कोई भी यूट्यूबर गेम को ओपन के नहीं बताता होगा। लेकिन गाइज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो लास्ट में मैं आपको 2 सॉल्यूशन देने के बाद गेम को ओपन करके फेसबुक से लॉगिन करके बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको BGMI में जो 1.8 अपडेट करने के बाद जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आप अपडेट नहीं किए हो तो गाइज लिंक मिल गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से देखो और आपको अपडेट करने आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या, करना कुछ नहीं, सिंपली से आपके अपने फोन के होम स्क्रीन पे आना। उसके बाद गाइस अब आपको स्मार्टफोन के सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद गाइस अब आपको फर्स्ट ट्रिक करना क्या, बस आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपली से आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा या सिम कार्ड होगा आपके अपने फोन के सेटिंग में। हो सकता है आपके फोन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांड के फोन होंगे तो अलग आएंगे, यानी कि आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस सिम सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट वाले सिम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस आपको एक्सेस पॉइंट नेम आपके अपने स्मार्टफोन में ढूंढ लेना है कहाँ पे है। तो गाइज एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा और इस प्रकार से ये स्टेप सारे लोग के दिखेगा फोन में। ये वाला इंटरफेस जो आपको दिख रहा है सारे स्मार्टफोन के फोन में दिखेगा। तो 3 या 2 डॉट होगा तो जो आपका पहले से APN डिफॉल्ट है उसको करना क्या, रीस्टोर कर देना। जो आपका APN डिफॉल्ट है वो रीस्टोर हो जाएगा। तो एक बार आपको बैक आना है, उसके बाद आपको अगेन से आपको सेटिंग को ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों मैं सेटिंग को ओपन करता हूँ। उसके बाद गाइज अब आपको करना क्या, करना कुछ नहीं, सिंपली से आपको यहाँ पे सर्च करना है। गाइज बहुत सारे बोलेंगे कि ये ट्रिक करके देख लिए, तो गाइज जैसा कि आपको पता है वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बोला कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखो। वीडियो के लास्ट में मैं गेम को ओपन करके लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, बस मात्र ये दोनों सेटिंग कर लो। तो DNS आपको सर्च करना है। तो गाइस DNS सर्च करोगे तो आपको प्राइवेट DNS का ऑप्शन आएगा। उसके बाद गाइस यहां पे देख सकते हो प्राइवेट DNS ऑफ है, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही प्राइवेट DNS वाले पे क्लिक करते हो तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो ऑफ ऑटो और डेस्टिनेटेड प्राइवेट DNS का है। फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं, थर्ड वाले पे क्लिक करना है। हो सकता है रियल मी के फोन में लिखने का ऑप्शन आएगा, लेकिन और सब सारे यूजर्स के लिए लिखने का ऑप्शन है, मैं बता रहा हूं कि आपको लिखना क्या है। गाइज अब रियलमी वाले के लिए यहां पे मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर आपके पास रियलमी का फोन है तो। तो गाइज आपको मॉडिफाई वाले पे क्लिक करने के बाद गाइज अब आपको लिखने के लिए आपके सामने कुछ ऐसा और इस प्रकार से एक इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मैं ऑलरेडी लिख करके रखा हूँ गाइज, क्यों, क्योंकि मैं मतलब अभी खेलता हूँ और मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो www.google, यानी कि सारे लोग को आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्या लिखना है, www.google। लिखने के बाद गाइज आपको सही वाले पे क्लिक कर देना है। अब आपको बैक आ जाना। अब चलिए मैं गेम को ओपन करके लाइव प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बोला कि गाइज गेम को ओपन करके लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। और गाइज अब जैसा कि आपको पता है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो गाइज जो कि मैं आपको 2 सेटिंग बताया होंगे और गाइज दोनों सेटिंग को कर लिए होंगे तो गाइज यहीं पे आपका प्रॉब्लम आता था। लेकिन गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1.8 अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज लुक्स बहुत ही धांसू एंड फैंटास्टिक आ रहा है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम आपका आसानी से और इजी में सॉल्व हो गया। और गाइज आपका गेम BGMI देख सकते हो आपका आसानी से और इजी में ओपन हो गया। तो गाइज आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।